बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ असद। FTS और NTS टेस्ट की प्रिपरेशन में आज हम लेक्चर नंबर 25 पढ़ेंगे, और ये जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 147 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13, मतलब 200 और 500 के दरमियान कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल है 13 पे। तो आप लोग तो काउंट नहीं कर सकते, सर नहीं कर सकते कि 200 को डिवाइड करोगे फिर उसके बाद जो 200 और 300 के दरमियान जो नंबर आएंगे, फिर 3 और 400 के दरमियान जो नंबर आएंगे, फिर 4 और 500 के दरमियान जो नंबर आएंगे, तो उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, इतना टाइम तो नहीं होता। तो आप लोग इस तरह करोगे, आप लोग सबसे पहले 200 को डिवाइड करो 13 पे। तो जब आप 200 को 13 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 13 70 हो जाएगा, और 13 5 65 आ जाएगा, तो 5 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ 5 रिमाइंडर है, तो 200 को अगर मैं 13 पे डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करूँ 500 को, तो 500 डिवाइड बाई 13, 13 3 39, 39 आ जाएगा, यहाँ पे 11 0 आ जाएगा, और 13 7 91, 11 88, 12 98, 13 104, तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास मतलब 104 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाता है। तो यहाँ एक वैल्यू 15 है और दूसरी वैल्यू आपके पास 38 आ चुकी है। तो आप लोग करोगे 38 माइनस 15, तो 38 माइनस 15 से क्या आता है, 23 आता है। तो ये ऑप्शंस करेक्ट होगा, मतलब अगर आपको 200 और 500 को चेक करना है कि ये इनके दरमियान इन बिटवीन, तो आप 200 को 13 पे डिवाइड करो, फिर 500 को 13 पे डिवाइड करें, तो जो आएगा हमारे पास, मतलब फिर उन दोनों को माइनस करें, एक से 38 आता है, दूसरे से 15 आता है, तो उन दोनों को एक दूसरे से आप लोग माइनस कर सकते हैं। इसके बाद 148 में क्या कहता है, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट इज 14, इसमें कौन सा नंबर हो जो 7 पे डिविजिबल है लेकिन 14 भी नहीं है, 21 7 पे डिविजिबल है, 12 तो 7 पे डिविजिबल नहीं है, 114 भी 7 पे डिविजिबल नहीं है, और 18 भी 7 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये 21 ऐसा नंबर है कि इसको आप लोग 7 पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस 21 को आप लोग एग्जैक्टली 14 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 149 में द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज़, हमारे पास जो प्राइम नंबर है उसमें एक कितने इवन नंबर है, कितने इवन नंबर है जो प्राइम है। तो हमारे पास जो टोटल इवन नंबर है वो हमारे पास सिर्फ एक है, सिर्फ टू, हमारे पास टू इवन नंबर बी है और टू हमारे पास प्राइम नंबर बी है। तो सिर्फ वाहिद टू एक ऐसा नंबर है जो इवन बी है और प्राइम बी है, इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 4 है, 6 है, 8 है, और इस तरह 12 अप टू सो ऑन। इस तरह 1 आपके पास इवन नंबर नहीं है, और 0 तो आप इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो हमारे पास जो टोटल नंबर आप इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ उसकी तादाद सिर्फ एक है, मतलब वो हमारे पास सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। अब 150 में क्या कहता है, द लीस्ट प्राइम नंबर इस, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 1 नहीं है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 नहीं हो सकता। इसके अलावा और इस तरह लास्ट क्वेश्चन में 151 में द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट W, तो W को कहते हैं होल नंबर, W को क्या कहते हैं, होल नंबर, और होल नंबर जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो 0 होगा। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसके बाद भी हम मज़ीद वीडियोस करेंगे, और तकरीबन मैं 2000 MCQs कंप्लीट करूँगा। स्टे टच विद अस।